कढ़ाई को नीचे ना आए, थोड़ा कागज़ गीला हो जाए बस। ये कोबाल्ट ब्लू है, इसको हम डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे। लाल कलर का हल्का सा लाल कलर मिला देंगे ऐसे करके, येलो कलर बन जाएगा। ये सूखने के बाद ठीक दिखेगा, तो फिर बाद में सूखने के बाद फिर थोड़ा सा और करेंगे। से करके फिर वाइट से चला दो उसको, थोड़ा सा ऐसे करिए। लास्ट में जो बिल्कुल बीच में बादल है उसको हम वाइट कर लेते हैं, क्योंकि इससे बड़े ब्रश से इससे ऐसे पानी लगा दिया हमने। पानी लगा हल्का सा, ये फ्लैट ब्रश ही लेना है और इसको ऐसे करके के बाद हम फिर येलो कलर करेंगे, जहाँ जब भी हमें लगेगा, जहाँ पेड़ वगैरह है वहाँ पे सब जगह, पेड़ जमीन जो भी होगा उन जगह पे हम सब येलो को स्प्रेड कर देंगे, स्प्रेड जमीन पे भी कर देंगे। पूरे में फैला दिए कलर, यहाँ थोड़ा हल्का करेंगे जमीन पे, जिसे ऊपर डार्क किया था इससे थोड़ा ज़्यादा पानी लगाएंगे, और हम सूरज को इधर से मारते हैं तो इधर लाइट रहेगी हमेशा। ठीक, अब हम करेंगे ग्रीन कलर को। ठीक है, अब हम इसमें ये वाला ग्रीन करेंगे, नीचे वाला ये वाला ग्रीन मिलाएंगे, और पर्शियन ब्लू तो थोड़ा सा और डार्क करने के लिए। ठीक है, तो नीचे से ले जाएंगे ऐसे लाइन से ले जाके और ऐसे फैला देंगे ना। ठीक है, अभी गीला तो अपना फैल जाएगा। पानी कम लेंगे अब, हाँ पानी कम लेंगे, डायरेक्ट कलर पानी बिल्कुल हल्का सा, ताकि बस कलर आ सके आपके ब्रश में। अब हमने इसमें ब्राउन कलर कर दिया, इसको पहले ऐसे लगाना है छोटे ब्रश से, और इसको स्प्रेड कर देना है ऐसे स्प्रेड, और बाद में इसको थोड़ा सा और कर लेंगे, ये ब्रश लेंगे और पहले ब्राउन करके उसके ऊपर फिर रेड का उतरेंगे, पहले इसका ब्राउन करके। पाँच मिनट सूखने के बाद पैंक है, पैन है ये, ठीक है, वाटरप्रूफ। आप पैन से कर सकते हो, इसको आउटलाइन कर लो आप, ठीक है, ऐसे करके आउटलाइन लगा सकते हो उसकी,
आप इससे करो, ठीक है, आप इससे कर सकते हो सूखने के बाद, लेकिन मेरे को ब्रश से अच्छा लगता है तो मैं ब्रश से करूँगा। अपने ऐसे पॉइंट बनाने, पॉइंट करके ऐसे, और इसको फिर आप पेंसिल भी कर सकते हो, लेकिन ब्रश से ज़रा अलग इफेक्ट आता थोड़ा सा। हर चीज़ को आउटलाइन कर देते हैं। थोड़ी चिड़िया बना दी अपने घर को, ठीक है, और सबसे लास्ट में हम बिना पानी के, पानी हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और ये हम एक सूरज को भी यहाँ पे बना देंगे एक्रेलिक कलर से, ठीक है, इसमें पानी नहीं लगा रहे हम बिल्कुल। ये हमने एक्रेलिक कलर से अपना एक नहीं, यहाँ पे सूरज बना दिया, उसको थोड़ा सा, इसकी हम थोड़ी किरणें फैला देंगे आपको इधर डार्क है, लास्ट में थोड़ा सा इसकी छाया भी होनी चाहिए, पर्वत की छाया थोड़ी सी, ठीक। गीला तो बहुत तो स्प्रेड हो गया था, पानी कम कलर जाएगा, ऐसे लगा दिया तो सामने हंस के लिए, और ब्रश को उल्टा पकड़ेंगे और उसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। हम इसमें एक्रेलिक कलर मिलाया है, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट हो गई पेंटिंग। ओके,